अपनी माँ के बीमार होने पर चिड़िया की बेटी गुड़िया अपनी मम्मा की साइकिल निकालती है और गुब्बारे बेचने चली जाती है। वो साथ साथ साइकिल की घंटी बजाती जाती और साथ साथ आवाज लगाती जाती, गुब्बारे गुब्बारे रंग बिरंगे गुब्बारे गुब्बारे लो। छोटा मिठू गुड़िया से एक गुब्बारा ले लेता है। गुड़िया, मुझे आपकी चिंता है, इतनी छोटी सी उम्र में हम सब खेलते हैं और आप गुब्बारे बेच रही हो। मेरी मम्मा बीमार हैं और मुझे अपनी मम्मा के लिए काम करके बहुत खुशी होती है। गुड़िया, आपको एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। गुड़िया घंटी बजाते हुए आगे बढ़ती है। गुब्बारे 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 लो। थोड़ी दूर जग्गू कौवा आ जाता है। वो एक बुरा और बहुत शरारती कौवा था। गुड़िया गुड़िया, मुझे मुफ्त में गुब्बारा दो। मुफ्त का माल नहीं है, ये मेरी मम्मा बाजार से पैसे देकर लाती हैं। पहले अपनी मम्मा से पैसे लेकर आओ, फिर ही मैं तुम्हें गुब्बारा दूंगी। जग्गू से जो पंगा लेता है वो हमेशा पछताता है। मैंने क्या कहा है आपको, जाओ पैसे लाओ और जितने जी चाहे गुब्बारे ले लो। गुस्से में जग्गू वहाँ से चला जाता है। गुड़िया शाम तक अपने गुब्बारे बेचती है और फिर शाम को गुड़िया अपने घर चली जाती है। मम्मा, वो दुष्ट जग्गू कौवा मुझसे मुफ्त में गुब्बारे मांग रहा था, मगर मैंने भी ठेंगा दिया उसे। गुड़िया बेटी, वो कौवे बहुत बुरे हैं, अगर वो आपको तंग करें तो उनसे लड़ाई ना करना। और वैसे भी कल तक मैं ठीक हो जाऊंगी, कल से मैं ही काम पर जाया करूंगी। पापा पापा, आपकी गुलेल कहाँ है, मुझे दें। अब मेरे जग्गू के मन में क्या नई शरारत आई है। मम्मा मम्मा, कल मुझे उस छोटी चिड़िया की बच्ची ने मुफ्त में गुब्बारा नहीं दिया था, मैं उसके सारे गुब्बारे ही फोड़ दूंगा। अपने पिता की तरह, एक बार मैंने भी ऐसा ही किया था। मैंने पत्थर मार मार कर चिड़िया के सारे ही गुब्बारे फोड़ दिए थे। अपने बाप पर ही गया है चोरियां करने में भी और शरारते करने में भी, मेरा जग्गू शेर बेटा। दूसरे दिन जब मम्मा चिड़िया गुब्बारे बेचने के लिए घर से निकलती है तो गुड़िया भी अपनी मम्मा के साथ ही आ जाती है। वो दोनों माँ बेटी जा रही थी। मम्मा चिड़िया साइकिल की घंटी बजाते हुए आवाज लगा रही थी और गुड़िया पीछे बैठी हुई जंगल का नजारा कर रही थी। गुब्बारे गुब्बारे रंग बिरंगे गुब्बारे। मम्मा चिड़िया और गुड़िया कबूतर के बेटे कीकी को गुब्बारा देने के लिए रुकती हैं। आंटी आंटी, मुझे वो लाल वाला बड़ा गुब्बारा दे दें। जग्गू कौवा भी अपनी गुलेल लिए एक घने पेड़ के पीछे छुपकर बैठा हुआ था। जग्गू से पंगा लेती है छोटी चिड़िया, अभी मजा चखाता हूँ तुझे। जग्गू गुलेल चलाता है, चिड़िया का एक गुब्बारा फट जाता है। गुड़िया गुड़िया बेटी, ये क्या हुआ, हमारा एक गुब्बारा कैसे फट गया। उसी समय दूसरा गुब्बारा भी फट जाता है। मम्मा, ये किसी ने गुलेल से फाड़े हैं हमारे गुब्बारे, ये जग्गू होगा, ये काम जरूर जग्गू कौवे का होगा। अपना नाम सुनकर जग्गू कौवा भागता है। वो गया, देखो देखो गुड़िया बेटी, वो गया जग्गू। मुझे पता था मम्मा, वो कल बहुत गुस्से में था। मम्मा, उस जग्गू ने तो हमारे दो गुब्बारे फाड़कर हमारा नुकसान कर दिया। हाँ बेटी, आज की दिहाड़ी तो गई नुकसान में। घर जाकर गुड़िया बहुत परेशान थी। वो अपनी मम्मा से कुछ कहे बिना घर से बाहर निकलती है। गुड़िया सीधी जग्गू कौवे के घर जाती है। तुम यहाँ क्यों आई हो मेरे घर में। जग्गू भाई, मुझे माफ कर दें, अगर आप मुझसे नाराज हैं तो मुझे माफ कर दें। आंटी आंटी, जग्गू ने आज हमारे गुब्बारे फाड़ दिए। तो किसने कहा था मेरे जग्गू को नाराज करने का, अब पता चला कि मेरा जग्गू क्या कर सकता है। अब तुम माँ बेटी मुझे जंगल में गुब्बारे बेच कर दिखाना, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे गुब्बारे बेचती हो इस जंगल में। गुड़िया बहुत विनती करती है मगर वो कौवे गुड़िया की बात ही नहीं सुनते। भाग भाग, चल भाग यहाँ से। रोती हुई गुड़िया अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, आप कहाँ गई थी। मम्मा,
मैं जग्गू के घर माफ़ी मांगने गई थी, मगर उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। गुड़िया बेटी, उन कौवों से लड़ने से अच्छा था कि आप जग्गू को एक गुब्बारा ही फ्री में दे देती। अब वो कौवे हमें जंगल में गुब्बारे नहीं बेचने देंगे। जग्गू, जग्गू बेटा, आज तेरी माँ भी जाएगी तेरे साथ। देखना मैं कैसे निशाना लगाती हूँ। मैं एक निशाने से चिड़िया के दो दो गुब्बारे फोड़ूंगी। अगर चिड़िया चू चू करे तो एक थप्पड़ लगाना उसके। ये काम तो मेरा जग्गू ही करेगा। गोरी कौवी अपने बेटे के साथ अपने घर से निकलती है। मामा चिड़िया और उसकी बेटी नदी के पास अपनी साइकिल लिए खड़ी थी। गोरी और जग्गू आम के पेड़ के पीछे छुपकर निशाना लगाते हैं। गोरी तो एक ही बार में चिड़िया के दो दो गुब्बारे फोड़ देती है। वो फिर आगे, मम्मा कौवे फिर आगे। चलो मम्मा, हम यहाँ से दूर चली जाती हैं। अब तुम दोनों जहाँ भी जाओगी मेरा जग्गू छोड़ेगा नहीं तुम्हें। एक गुब्बारा ही तो मांगा था मेरे जग्गू ने तुमसे। जग्गू भाई ले, आप ये गुब्बारा ले ले और हमें माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई थी। मगर जग्गू फिर से गुलेल चलाता है और एक और गुब्बारा फोड़ देता है। क्लैपिंग क्लैपिंग, मेरे जग्गू का निशाना तो बिल्कुल ठीक लगा है। मामा चिड़िया और उसकी बेटी रोती हुई वहाँ से चली जाती हैं। शाम हो जाती है। आज उन माँ बेटी के पास इतने पैसे नहीं बचे थे कि वो अपने घर में दाना लेकर जा सकती, क्योंकि उनके सारे गुब्बारे तो गोरी और जग्गू ने फाड़ दिए थे। गुड़िया हार जाती है, वो कौवों से हार जाती है। वो रोती हुई दूर पहाड़ों पर चली जाती है और वहाँ जाकर रोने लगती है। अगर मेरी मम्मा कमजोर है तो क्या हुआ, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं देख लूंगी उन कौवों को। मेरी मम्मा लड़ाई से डरती हैं और वो कौवे हमेशा हमें तंग करते हैं। बुरे बुरे कौवे हैं वो, दुष्ट कौवे, गंदे कौवे। गुड़िया ऐसे रो रही थी कि बादलों के साथ साथ उड़ती हुई क्लाउड फेरी गुड़िया को रोता हुआ देखकर वहां आ जाती है। गुड़िया चुप हो जाओ, अगर तुम कमजोर हो तो ऊपर वाले ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। लो ये है जादुई डंडा, ये करेगा उन कौवों को सीधा। जादुई डंडा? क्लाउड फेरी, ये जादुई डंडा क्या करेगा? जो समझे ना सीधी बात उसको मारो डंडे साथ। जब वो कौवे तुम्हें और तुम्हारी मम्मा को तंग करे तो बस इतना कह देना, फिर ये जादुई डंडा अपना काम शुरू कर देगा। क्लाउड फेरी चली जाती है और गुड़िया अपना जादुई डंडा लेकर घर आ जाती है। आज गुड़िया बहुत एक्साइटेड थी। मम्मा चले, देर हो रही है, गुब्बारे बेचने चले, मैं साइकिल सीधी करती हूँ। गुड़िया बेटी क्या फायदा, आज फिर वो कौवे हमारे सारे गुब्बारे फोड़ देंगे। मम्मा आज उन कौवों को सीधा करेगा मेरा ये जादुई डंडा, आप मेरे साथ चलें। मम्मा चिड़िया और गुड़िया अपनी साइकिल की घंटी बजाती हुई जाती हैं। गुब्बारे गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे। जग्गू और गोरी सुना नहीं, घंटी बज रही है, चिड़िया आ गई है गुब्बारे बेचने। मम्मा मम्मा, मैं अभी जाकर चिड़िया के सारे ही गुब्बारे फोड़ देता हूँ। गोरी कौवी और जग्गू घर से निकलते हैं। पेड़ के पीछे बैठकर वो हर रोज की तरह गुलेल चलाती हैं। गुड़िया का एक गुब्बारा फट जाता है। गुड़िया वो आगे, वो कौवे फिर से आगे। तो मैं इन्हें अभी सबक सिखाती हूँ, जो समझे ना सीधी बात उसको मारो डंडे साथ। गुड़िया के ऐसा कहते ही वो जादुई डंडा उड़ता है और जाकर गोरी और जग्गू की पिटाई शुरू कर देता है। बचाओ बचाओ, अरे अरे ये डंडा क्या पागल हो गया है, कोई बचाओ, पापा पापा। जग्गू का पापा आता है तो वो जादुई डंडा जग्गू के पापा के पीछे भागता है और मार मार कर कौवों को दूसरे जंगल छोड़ आता है। मामा चिड़िया और गुड़िया कौवों को भागता हुआ देखकर हंस रही थी।
प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में बरसात शुरू थी। बरसात कई दिनों से चल रही थी, इसलिए अब पक्षियों के घर जो भोजन था वो खत्म हो चुका था। इसलिए सारे ही पक्षी भोजन को लेकर परेशान थे। कबूतर यार, अच्छा हुआ तुम मेरी तरफ आ गए, मैं भी आपके पास आने ही वाला था। क्या हुआ तोते, आप क्यों मेरे पास आने वाले थे? मेरे घर में सारा भोजन खत्म हो गया है, भूख सता रही थी। मैंने सोचा कि शायद मुझे आपसे कुछ खाने को मिल जाए। क्या बताऊं तोते, मैं तो कल से भूखा हूँ। अगर मेरे घर में कुछ खाने को होता तो ऐसी बारिश में मैं आपके पास ना आता। तो फिर क्या अब हम भूख से मर जाएंगे? नहीं, हम कोशिश करेंगे। हम जिंदा रहने के लिए उड़ेंगे, हम भोजन की खोज में जाएंगे। परंतु कबूतर, ऐसी बारिश में भोजन की खोज करना बहुत मुश्किल है। हम चिड़िया के पास जाते हैं, हो सकता है चिड़िया बहन से हमें कुछ खाने को मिल जाए। ऐसे तोता और कबूतर चिड़िया की तरफ जाते हैं। चिड़िया बहन, प्लीज एक दाना ही दे दें, मैं बहुत भूखा हूँ। मैं क्या करूँ, मेरे भी दो बच्चे हैं। जो भोजन था मैंने अपने दोनों बच्चों को खिला दिया, मैं तो खुद भूखी हूँ। वो सामने एक दाना जो पड़ा है, वो मैंने अपने बच्चों के लिए रखा हुआ है, उन्हें आधा आधा करके शाम को दूंगी। तो फिर मैं मर जाऊंगा भूख से। फिर चिड़िया को कव्वे पर दिया आती है और चिड़िया वो एक दाना जो उसने अपने बच्चों के लिए रखा था कव्वे को दे देती है और कव्वा वो दाना खा लेता है और चिड़िया के घर पर दस्तक होती है। अब ऐसी बारिश में कौन होगा? कौन कौन है बाहर? मैं हूँ कबूतर और मेरे साथ तोता भी है। चिड़िया बहन, दरवाजा खोलें। हम भूखे हैं, कुछ भी खाने को नहीं मिला। यही सोचकर हम आपके पास आए हैं कि शायद हमें आपसे कुछ खाने को मिल जाए। लो जी, ये भी भूखे हैं। ऐसी बारिश में तुम्हें कौन भोजन देगा तोते? दोस्तों, मेरे पास तो केवल एक दाना गेहूं का था जो कव्वे ने अभी अभी खा लिया है। मैं भी भूखी हूँ और मुझे शाम की फिक्र हो रही है कि शाम को मैं अपने बच्चों को क्या दूंगी खाने में। चिड़िया बहन, बहुत मुश्किल है, परंतु अगर हम हिम्मत करें तो हम जंगल के ऊंचे इलाके से भोजन की खोज कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ जाएं तो मैं भी जाना चाहूंगी, क्योंकि मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। परंतु मेरे बच्चे अकेले बारिश में डरेंगे और इन्हें मैं साथ भी तो नहीं लेकर जा सकती। चिड़िया बहन, मैं आपके बच्चों के पास बैठ जाता हूँ और आप तोते और कबूतर के साथ चली जाएं, परंतु आते हुए मेरे लिए भी थोड़ा सा भोजन लेती आना। चिड़िया मान जाती है। ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद तुम अपने घर चले जाओ और मेरे बच्चे बिजली की गरज से डरते रहें। आप चिंता ना करें, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, परंतु मेरा भोजन याद रखना। फिर ऐसे चिड़िया, कबूतर और तोता तेज बारिश में अपने और अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए घर से निकल जाते हैं। ये घोंसला तो बहुत आरामदेह है, मैं थोड़ा सा सो लेता हूँ। वो सब दोस्त बहुत मुश्किल से उड़ रहे थे, वो साथ थे इसलिए वो एक दूसरे की हिम्मत बढ़ा रहे थे। ऐसे हालात में हम कौन सा पहली बार आए हैं, हम पक्षियों की जिंदगी तो ऐसी ही है। फिर वो उड़ते उड़ते पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं। बाकी जंगल में तो हर दिशा में पानी ही पानी था, केवल पहाड़ों के पास पास जो इलाका ऊंचाई पर था वही बारिश के पानी से बचा हुआ था। उन्हें एक जगह कुछ चावल के पौधे नजर आते हैं, वो सीधे वहां जाते हैं। ये कौन पक्षी यहाँ आ गए हैं? अगर इन्होंने ये चावल के दाने खा लिए तो मुझे भूखा रहना पड़ेगा, मैं इन्हें यहाँ से भगाता हूँ। ऐसा सोचते हुए वो उल्लू अपनी गुफा से बाहर निकलता है। ठहरो, चूच ना लगाना इन चावल के पौधों के। तुम सब जानते हो कि मैं इस गुफा में रहता हूँ और मेरे घर के आसपास का सारा भोजन मेरा है। उल्लू जी, हम बहुत भूखे हैं और अब तो हमारे पेट में भूख से चूहे भी दौड़ दौड़ कर थक गए हैं। कृपया करें,
हमें ज्यादा ना सही थोड़े से ही चावल दे दें। हमारे बच्चे भी भूखे हैं। तो मैं क्या मर जाऊं? बरसात न जाने कब तक चलेगी और इन चावलों के सहारे ही तो मैं चिंता हूँ। आप यहाँ से थोड़ा आगे जाएं, वहाँ आपको मकई के कुछ पौधे मिल जाएंगे। आप वहाँ से कुछ मकई ले लें। उल्लू जी, कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, परंतु एक समस्या है। वहाँ एक चील रहती है, वो मकई उस चील की है। पूछना पड़ेगा आपको उस चील से, फिर ही आप वहाँ से कुछ मकई ले सकोगे। वो सब फिर से उड़ते हैं। हमें अब चील के पास जाकर बुद्धि से काम लेना होगा, ऐसे वो चील हमें मकई नहीं लेने देगी। वो मकई के पौधों के पास पहुंच जाती हैं। पक्षियों, मेरे मकई के पौधों को पंख न लगाना, मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ और मांस खाना मैंने छोड़ दिया है। ये मकई मैंने अपने लिए रखी हुई है। वो सब बूढ़ी चील के पास चले जाती हैं। नहीं नहीं चील दीदी, हम मकई लेने नहीं आए, बल्कि हम ऐसी बारिश में आपका एक संदेश लेकर आए हैं। संदेश? कैसा संदेश? दीदी, मैं कल रात सोई हुई थी कि आपकी माँ जी मेरे सपने में आई। माँ? मेरी माँ आई थी तुम्हारे सपने में? हाँ दीदी, और आपकी माँ जी ने कहा कि वो आपसे मिलना चाहती हैं। मेरी माँ तो कब से मर गई है? ऐसा कहते हुए वो चील रोने लग जाती है। बहुत जालम थी वो बग्गी चील, मुझे अच्छे से याद है। मैं और माँ जी बैठे हुए थे कि उस बग्गी चील की मेरी माँ से लड़ाई हो गई और उसने मेरी माँ को मार दिया। सुने तो चील थी, आपकी माँ जी ने मुझे सपने में आकर बताया कि आपकी माँ जी दूसरा जन्म लेकर वापस इसी जंगल में आ गई हैं, और इस बार वो एक तोते के रूप में आई हैं। तोते के रूप में? तो क्या ये मेरी माँ जी हैं? नहीं नहीं, वो तोता तो मुझे भूल गया। चिड़िया, कहाँ रहता है वो तोता? इससे आगे का सपना तो मैं आज देखूंगी, फिर ही मुझे पता चलेगा कि दीदी की माँ जी तोते के रूप में कहाँ रहती हैं। मैं भी अपनी माँ से बहुत उदास हूँ। चिड़िया, मुझे किसी तरह बता दो कि मेरी माँ जी तोते के रूप में कहाँ रहती हैं। मैंने बहुत कोशिश की सोने की कि मुझे नींद आ जाए और आगे का सपना पूरा हो जाए और मुझे पता चल जाए कि माँ जी कहाँ रहती हैं, परंतु मुझे भूखे पेट नींद ही नहीं आ रही थी। अच्छा, तो जब बरसात रुके तो कुछ भोजन खाकर आप सो जाना, और बाकी का जो सपना रहता है वो देखकर चील दीदी को बता देना कि दीदी की माँ जी तोते के रूप में कहाँ रहती हैं। अगर ऐसा है तो आप मेरी मकई से कुछ मकई ले जाएं और पेट भरकर गहरी नींद सोकर फिर से बाकी का सपना देखकर मुझे बताना कि माँ जी कहाँ रहती हैं। नहीं नहीं चील दी, आपकी मकई हम नहीं लेकर जाएंगे। आप ले जाएं, मेरे पास ये मकई मेरी जरूरत से ज्यादा है। बस आप जल्दी से अपना सपना पूरा करें। अगर आप जिद कर रही हैं तो हम कुछ मकई ले जाते हैं। और हाँ दीदी, जब आपकी माँ जी मेरे सपने में आएंगी तो तुरंत आपको आकर बता जाऊंगी। फिर चिड़िया, कबूतर और तोता चील के मकई के खेत से कुछ मकई लेकर वापस हो लेते हैं। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अंकल अंकल, मुझे भूख लगी है, मेरी मम्मा कब आएंगी? आपकी मम्मा आपके लिए भोजन लेने गई हुई है, वो आने ही वाली होंगी। अंकल, ये बारिश कब रुकेगी? मुझे बादल की गरज से बहुत डर लग रहा है। इसमें डरने की क्या बात है, ये तो बादल अंकल के हंसने की आवाज होती है। अच्छा, तो बादल अंकल इतने जोर से हंसते हैं? बादल होते जो इतने बड़े हैं, तो फिर उनके हंसने की आवाज भी इतने ही जोर की होगी। ऐसे ही चिड़िया, कबूतर और तोता भी घर पहुंच जाते हैं। वो थक गए थे, परंतु वो बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने अपने और अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढ लिया था।
मकई, ऐसी बारिश में नरम नरम मकई खाने का तो मजा ही आ जाएगा। कव्वे, तुम क्या जानो कि ये मकई हमने कैसे हासिल की है? अब चील दीदी की माँ का बाकी वाला सपना कौन देखेगा? ऐसा कहते हुए वो सब दोस्त हंसने लग जाते हैं और फिर वो बारिश के कुछ दिन उस मकई को खाकर गुजारते हैं। कव्वे भैया, मौसम काफी ज्यादा ठंडा हो गया है और शायद कल से बर्फबारी भी शुरू हो जाए। हम सब पक्षी इसलिए कल इकट्ठे हुए थे, प्रवास करने की सलाह करनी थी, लेकिन आप आए ही नहीं। आप हमेशा अकेले ही रहते हो, कभी किसी से दोस्ती नहीं करते, किसी के साथ बनाकर नहीं रखते। ऐसे अकेले जीना बहुत मुश्किल है, पता नहीं आप अकेले कैसे रह लेते हो। चिड़िया, बात ये है कि मैं तुम सबसे ज्यादा अकलमंद हूँ, तुम सबसे बड़ा हूँ, मुझे अपने अच्छे और बुरे की खूब पहचान है, तो मुझे आए रोज कोई ना कोई भाषण देने ना आ जाया करो। जाओ और अपना काम करो और मुझे सोने दो। नहीं कव्वे भैया, मैं आपको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि हम सब पक्षियों ने सलाह की है कि हम कल सुबह ही परावास कर जाएंगे पूर्व वाले जंगल की तरफ। पूर्व की तरफ जाना है हमें, बड़े जंगल में, वहाँ का मौसम बिल्कुल ठीक है, हम 3 महीने वहाँ गुजारेंगे। मेरी बात मान जाओ और हमारे साथ चलो। एक बार कहो या 100 बार, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। और ऐसे रानो चिड़िया नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। छोटी और कमजोर चिड़िया, इसे क्या पता मैं कितना ताकतवर हूँ और मेरे पंख कितने सख्त हैं, भला मुझ पर क्या असर होगा इस ठंडे मौसम का। कौवा बहुत घमंडी था, वो ऐसा कहते हुए मुस्कुराता है। कल हम सब सुबह रोशनी होते ही यहाँ से चले जाएंगे, सब पक्षी इस बड़े पेड़ पर इकट्ठे हो जाएं, सुबह हम यहाँ से ही अपने सफर की शुरुआत करेंगे। और हाँ, कोई भी पक्षी ज्यादा देर ना करे, हमें सुबह सवेरे ही निकलना होगा। कालू कव्वा नहीं जाएगा क्या? वो कल सलाह करने भी नहीं आया था। मैं गई थी उसकी तरफ आज, वहीं से आ रही हूँ। मैंने बहुत उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था, वो नहीं माना। वो कह रहा था आप सब जाओ, मैं नहीं जाऊँगा तुम्हारे साथ। ये कालू भी पागल हो गया है, कैसे जी पाएगा बर्फबारी में? वो तो 2 दिन भी जिंदा नहीं रह सकेगा अगर बर्फबारी शुरू हो गई तो। लेकिन हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। और फिर सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। तुम मेरे पास आ जाओ, बस आज की ही रात है, हम सुबह होते ही गर्म इलाके की तरफ चले जाएंगे। माँ, क्या हर साल हम प्रवास करते हैं? हाँ मेरे बेटे, हम पक्षियों का कोई एक ठिकाना नहीं होता, हमें जिंदा रहने के लिए हालात और मौसम के मुताबिक सफर करना ही होता है। और वो ऐसे बातें करते करते सो जाते हैं। सुबह होते ही सब पक्षी तय की हुई जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, सबने साथ साथ उड़ना है, किसी भी पक्षी ने कोई भी खाने की चीज देखकर साथ छोड़कर नहीं जाना। यहाँ भी पड़ाव करेंगे, सब इकट्ठे ही करेंगे। और ऐसे फिर सब पक्षी अपना सफर शुरू करते हैं। कितना मजा आ रहा है, आज तो जंगल में कोई शोर नहीं है, ऐसा लग रहा है ये सारा जंगल मेरा है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, किसी भी पेड़ पर बैठ सकता हूँ, मेरा क्या बिगाड़ेगी ये सर्दी, मैं रात के समय तो घोंसले में ही रहूँगा, चिड़िया तो पागल है। ऐसे ही शाम हो जाती है और आसमान से हल्की हल्की बर्फ की बूंदें गिरना शुरू हो जाती हैं। वाह, मजा आ गया, कैसे सफेद आसमान है, ये बर्फ तो ऐसे लग रहा है जैसे नरम नरम कपास आसमान से गिर रही हो। सब पक्षी थोड़ा आराम करने के लिए एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। रानो चिड़िया, मानो ना मानो, मुझे ऐसा लग रहा है हम रास्ते से भटक गए हैं, वो वाले पहाड़ तो कभी पहले नहीं देखे मैंने। तोते भैया, मैं भी यही सोच रही थी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, हमें अपनी दिशा बदलनी होगी, अब हमें दूसरी दिशा में उड़ान लेना होगी। और वो सब पक्षी दूसरी दिशा में उड़ते हैं। सूरज की रोशनी बहुत ही थोड़ी रह गई थी, वो सब पक्षी उड़ते उड़ते थक गए थे। रानो चिड़िया, हमें नीचे उतरना होगा, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, हम यहीं पड़ाव करते हैं। और फिर वो एक पेड़ पर उतरते हैं। हम अपनी दिशा से मुकम्मल भटक चुके हैं, अब हमें ज्ञान से काम लेना होगा। ये क्या हो गया हमारे साथ, अब तो शायद हम मर जाएंगे, हम कैसे इस अजनबी जंगल में जी पाएंगे। ऐसी बातें नहीं करते बुलबुल, जब भी कोई मुश्किल समय हो तो हिम्मत से काम लेते हैं, अपने दिमाग को रिलैक्स करो, अब घबराने से कुछ नहीं होगा, हमें रात यहीं गुजारना होगी। मैं और तोता खाने के लिए कुछ बंदोबस्त करते हैं, लेकिन आप में से कोई भी पक्षी अपनी जगह से नहीं उड़ेगा। आप तसल्ली रखो, हम बड़े हैं तुम सबसे,
हमारे होते हुए आपको घबराने की जरूरत नहीं। और फिर ऐसे तोता और चिड़िया सब पक्षियों के लिए कुछ ना कुछ ढूंढने निकल जाते हैं। उधर कालू कौवा ठंडे मौसम के मजे ले रहा था कि वहाँ एक पक्षी आ जाता है। कौन हो तुम और इधर क्या कर रहे हो? कौवे हमारा झुंड पीछे आ रहा है, मैंने थोड़ा पहले उड़ान ली थी ताकि अपने साथियों को मौसम से आगाह कर सकूं। हम गर्म इलाके से आए हैं, हम यहाँ चंद दिन रहेंगे क्योंकि हम गर्म इलाके में नहीं रह सकते। यहाँ का मौसम काफी ठंडा है, हमारे परिवार को ठंड की जरूरत होती है, हम इसलिए यहाँ आए हैं। लेकिन कौवे भैया, आप तो यहाँ मर जाओगे, आपके जंगल के तो तमाम पक्षी परवास कर गए हैं, आप क्यों नहीं गए? क्योंकि मैं उन जैसा कमजोर नहीं हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ। नहीं कौवे भैया, आज दिन में रोशनी थोड़ी ज्यादा थी और ये इस बात का संकेत है कि आज रात बहुत ज्यादा बर्फबारी होने वाली है। जाओ और यहाँ से भाग जाओ, हर कोई मुझे ही भाषण देने आ जाता है, सबको मेरी ही चिंता है। और वह पक्षी वहाँ से उड़कर पास वाले पेड़ पर बैठ जाता है। रात गहरी हो रही थी और फिर ठंड तो थी ही, साथ हवा भी शुरू हो गई थी जिसने ठंड में और इजाफा कर दिया था। कौवा पहले तो इंजॉय करता रहा लेकिन अब ठंड उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। इसका दिमाग काम छोड़ चुका था, उसने अपने शरीर को गर्म रखने के लिए अपने पंखों को फड़फड़ाना चाहा तो उसके पंख हरकत नहीं कर रहे थे। शायद कालू कौवे के पंख शदीद सर्दी की वजह से जम चुके थे। और कौवा बेबस होकर कांपने लगता है। पास में बैठा ठंड का पक्षी ये सब देख रहा था और वो जल्दी से इसके पास आता है। कौवा तो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। वो पक्षी जल्दी से कौवे के ऊपर बैठ जाता है और अपने शरीर की गर्मी से कौवे को गर्म रखने की कोशिश करता है। ऐसा करने से कौवे को थोड़ा सुकून मिलता है। ऐसे ही रात गुजर जाती है। मैं जिंदा हूँ, मुझे तो विश्वास नहीं आ रहा। तुम जिंदा हो कौवे भैया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम ना होते तो शायद आज की रात मेरी आखिरी रात होती। मुझे वापस जाना है, आज अपने परिवार को बताने कि यहाँ बर्फबारी शुरू हो चुकी है, हम कल यहाँ आ जाएंगे। लेकिन कौवे भैया, आप यहाँ से चले जाओ, हम ठंडे मौसम के बारे में अच्छे से जानते हैं और मेरा अनुभव बता रहा है कि आज रात बारिश भी आने वाली है और तेज हवा भी। हाँ अजनबी पक्षी, मुझे अंदाजा हो गया है कि मुझे सब पक्षियों की बात मान लेनी चाहिए थी, मैंने जिद करके अपनी जान को खतरे में डाला। मुझे रास्ते का अच्छे से पता है और हमारे जंगल के पक्षी भी अभी रास्ते में ही होंगे, मैं इन्हें ढूंढ लूंगा। तुम्हारा फिर से धन्यवाद। और कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा बहुत तेज उड़ता है, उड़ते उड़ते उसकी नजर नीचे बैठे पक्षियों पर पड़ती है और वह जल्दी से वहाँ उतरता है और छुपकर सब पक्षियों को हैरान कर देता है। सरप्राइज! और सब पक्षी कौवे को अचानक से देखकर हैरान हो जाते हैं। कौवे भैया, अच्छा ही हुआ आप आ गए, हम तो दिशा से भटक गए थे कल शाम से और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाएं, फिर हम यहीं बैठ गए। लेकिन कालू, तुम सुनाओ, रात कैसे गुजरी? मैंने तुम्हारी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की। और फिर कौवा उन्हें सारी बात बताता है कि कैसे रात तेज हवा चली और फिर कैसे अजनबी पक्षी ने इसकी जान बचाई। कौवे भैया, हमने भी रात बहुत डरते डरते गुजारी है। आपने बहुत अच्छा फैसला किया, जो यहाँ बैठ गए वो सामने जो पहाड़ हैं उनके पीछे उल्लू रहते हैं, अगर आप उधर चले जाते तो वो किसी को ना छोड़ते, बहुत जालिम है वो। अब सब पक्षी बहुत खुश थे क्योंकि कालू जंगल के तमाम रास्ते जानता था और कालू कौवा भी बहुत खुश था कि उसकी जान बच गई थी। और फिर ऐसे सब पक्षी खुशी खुशी अपना सफर शुरू करते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें जिंदगी में एक दूसरे की मदद की जरूरत होती है, जिंदगी कभी भी अकेले नहीं गुजारी जा सकती।